नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कार्यक्रम इतिहास के पन्ने मेरी नजर से। February 17, 2021 को दिल्ली के एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार पांडे ने पत्रकार प्रिया रमानी की डिफेंस आर्गुमेंट मान ली और उन्हें चार्ज ऑफ क्रिमिनल डिफेमेशन अंडर सेक्शन 499 ऑफ इंडियन पीनल कोड से बरी कर दिया। केस का बैकग्राउंड कुछ ऐसा था। 8 अक्टूबर 2018 को प्रिया ने अपनी स्टोरी सोशल मीडिया पे शेयर की, यह कि 1993 में एमजे अकबर ने प्रिया को सेक्सुअली हैरस किया था। उस समय एमजे अकबर 43 इयर्स के थे और प्रिया 23। अकबर एशियन एज नाम के अखबार के एडिटर थे और प्रिया रमानी फर्स्ट टाइम एप्लीकेंट थी। उनके इंटरव्यू में जो अकबर ने मुंबई के एक होटल में अपने कमरे में जिस इंटरव्यू को लिया, उसके बारे में क्या कुछ हुआ, अकबर ने किस तरह से सेक्सुअल ओवरचर्स किए, प्रिया ने उस पर क्या आपत्ति दिखाई, ये सब का विवरण उन्होंने वोग इंडिया के मैगजीन में अक्टूबर 2017 में किया। परंतु वोग के आर्टिकल में प्रिया रमानी ने अकबर को आइडेंटिफाई नहीं किया, सिर्फ एक मेल बॉस के नाम से उनको एड्रेस किया। इमीडिएटली आफ्टर रमानी वेंट पब्लिक, almost 20 other women journalists shared accounts of being having sexually harassed by MJ Akbar at different points in their careers. Two eventually became a witness for Priya Ramani in the case she faced. जिस समय Priya Ramani और बाकी पत्रकारों ने MJ Akbar को सीरियल सेक्सुअल हैरेसर के तौर पर आइडेंटिफाई किया था, उस समय वे मंत्रिमंडल के सदस्य थे। आरोप लगाने के 10 दिन के अंदर पब्लिक प्रेशर इतना पड़ गया कि एमजे अकबर को इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद अकबर ने एक क्रिमिनल डिफेमेशन का कंप्लेंट फाइल किया प्रिया रमानी के खिलाफ। इन हिज 41-page defamation suit, Akbar alleged that Priya Ramani's tweets and article had harmed the reputation and goodwill that he had very carefully built over 40 years. Ramani ke khilaf trial 2.5 saal chala, 3 alag alag courts mein transfer hue. Ek lambe trial process ke baad judge ne kaha, अल्टीमेटली मैं जिस जज की बात कर रहा था, एडिशनल सीजेएम पांडे, उन्होंने कहा कि रमानी हैड स्पोकन ट्रूथ इन फर्दरेंस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। सच एन ऑब्जर्वेशन इज एन एक्सेप्शन टू क्रिमिनल डिफेमेशन अंडर सेक्शन 499 ऑफ आईपीसी। कोर्ट का फैसला बहुत महत्वपूर्ण है। जज के निर्णय ने माना कि पीड़ित पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के इम्पैक्ट को पहचानना अति महत्वपूर्ण है। हमारा समाज अभी भी पीड़ित की बात पर विश्वास नहीं करता है। क्वेश्चंस आर आस्क्ड, आर यू श्योर दिस हैपेंड, आर यू श्योर यू डिडंट मिसअंडरस्टैंड, यू मस्ट हैव डन समथिंग टू हैव प्रोवोक्ड हिम। एडिशनल सीजेएम रविंद्र कुमार पांडे ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, दैट
workplace sexual harassment is a violation of basic rights enshrined in the Constitution. But more importantly, the court also said the victim has the right to speak out whenever the person is ready, on whichever platform that is available to her or to him. Additional CJM Pandey ke lekin observations, hamare kanoon se kuch vipreet hain. In fact, the Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act of 2013 imposes a 3-month time limit on the filing of a complaint. तो अब सवाल ये उठता है, क्या ये निर्णय इस कानून के प्रावधानों पर लागू होता है? It is clear that the judgment in the Priya Ramani case raises very important questions regarding legal compliance of workplace sexual harassment rules, regulations and the law itself. लेकिन इस कार्यक्रम के खासियत के मुताबिक हम Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act of 2013 के बैकग्राउंड उसके इवोल्यूशन पर नजर डालेंगे. कानून के इतिहास और हिंदुस्तान के सेक्सुअल हैरेसमेंट लॉज और उनके गाइडलाइंस के इवोल्यूशन की बात करने के पहले हम एक बार फिर उस परिस्थितियों की बात करना चाहेंगे जिन हालातों में प्रिया रमानी ने इस पूरे इशू को हिंदुस्तान में कैटलाइज कर दिया था. प्रिया रमानी और बाकी पत्रकारों के डिस्क्लोजर्स की पृष्ठभूमि मी टू मूवमेंट थी. ये मूवमेंट, जैसा कि आप जानते हैं, बेसिकली अक्टूबर 2017 में अमेरिका में जोर पकड़ा. The backdrop was provided by the widespread sexual abuse allegations against American former film producer and convicted sexual offender Harvey Weinstein in early October 2017. The American actress Alyssa Milano ne Twitter par post kiya tha, agar sabhi mahilaen jinhone sexual harassment या वायलेंस फेस किया हो, अगर ये सब अपने ट्विटर के स्टेटस बार पर मी टू करके लिखें, देन वी माइट बी एबल टू गिव पीपल अ सेंस ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम. जैसा आप सब जानते हैं, सोशल मीडिया इज वेरी इंफेक्शियस. कोई आइडिया बस चल जाना चाहिए, तुरंत वायरल हो जाता है. ऐसा ही हुआ, पहले अमेरिका में, फिर दूसरे देशों में. वहां के सेलिब्रिटीज और आम जनता सब सामने आने लगे कि उनको भी वर्कप्लेस पर बड़े बड़े लोगों ने सेक्सुअली हैरेस किया था. ऐसा लगने लगा कि द विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्कप्लेस हु हैड रिमेन्ड म्यूटेड ड्यू टू फियर और शेम सडनली फाउंड करेज and rediscovered their voice. Hindustan mein bhi kuch aisa hi hua. Club owners, film producers, film actors aur finally editors all began to be called out. Hindustan mein sexual violence ki sthiti bhayanak thi. 2015 mein 1.3 lakh sexual offenses report hue the. According to NCRB, 25% से भी कम रेप के केसेस ended in conviction. महिलाओं की आदत सी बन गई थी बचपन से सेक्सुअल हैरेसमेंट सहते सहते. ऐसा लगने लगा जिस तरह से सोशल मीडिया में मी टू मूवमेंट छा गया, इंक्लूडिंग इन इंडिया, that the pent up anguish started coming out. All of a sudden. इस सिचुएशन में अखबार द्वारा प्रिया रमानी के खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस प्रेस करना वाज सीन एज अ लास्ट स्ट्रॉ इन अ पेट्रियार्कल सोसाइटी. लेकिन गुस्सा ओवरनाइट नहीं इतना
पढ़ के सामने आया था। कहानी दरअसल शुरू हुई थी 22 सितंबर 1992 को राजस्थान की राजधानी जयपुर से लगभग 55 किलोमीटर दूर एक गांव में भंवरी देवी नाम की एक महिला का सामूहिक बलात्कार हुआ था। इस दिन जिन मर्दों ने उन्हें रेप किया था उनका गुस्सा उनके प्रोफेशनल रोल से था। भंवरी देवी दरअसल राजस्थान सरकार की विमेंस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट में काम करती थी, साथिन के तौर पर वो काम करती थी, यानी कि साथी या दोस्त। उनका काम अलग अलग सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स में होता था, साथ ही कुछ सोशल इविल्स के खिलाफ वो कैंपेन करती थी, जैसे कि फीमेल फीटिसाइड, इन्फेंटिसाइड, दहेज और फिर बाल विवाह। पेट्रियार्कल माइंडेड मेन वर एंग्री विद हर फॉर ट्राइंग टू प्रिवेंट अ 9 month ओल्ड गर्ल चाइल्ड्स मैरिज अ फ्यू मंथ्स अर्लियर। अक्षय तृतीया के समय राजस्थान में हजारों की तादाद में बाल विवाहें होती हैं। 1992 में राजस्थान सरकार ने ये तय किया कि इस प्रथा के खिलाफ वो कैंपेन चलाएंगे। भंवरी देवी को इसमें एक प्रमुख रोल अपने गांव और उसके आसपास के इलाके में दिया गया। बस इतना ही काफी था। सेक्सुअल वायलेंस एंड हैरेसमेंट इज अ वेरी कॉमन एंड इजी रूट, बट दिस टाइम द इंसिडेंट इवोक्ड स्टेट वाइड रिवल्शन। भंवरी देवी ने रेपिस्ट के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज तो किया, लेकिन उनकी कंप्लेंट ने पुलिस ने गंभीरता से कोई नहीं सुनवाई की। शिकायत दर्ज करने में ही 52 घंटे पुलिस ने लगा दिए। 15 नवंबर 1995 को अल्टीमेटली जयपुर की एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट ने मामले को खारिज कर दिया, सभी 5 अपराधियों को बरी कर दिया। लेकिन उसके पहले जुडिशियल एपथी और सोशल होस्टिलिटी को देखते कई महिला संगठन साथ इकट्ठे हुए और उन्होंने तय किया कि भंवरी देवी को न्याय दिलाने में उनकी लड़ाई का वो समर्थन करेंगे। इन संगठनों ने रिकॉग्नाइज किया भंवरी देवी का जो रेप हुआ था वो टेक्निकली उनका वर्कप्लेस था। एट दैट टाइम देयर वाज नो लॉ दैट टैकल्ड सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड वायलेंस एट वर्कप्लेसेस। आफ्टर रियलाइजिंग दैट द क्रिमिनल केस वुड ड्रैग ऑन फॉर इयर्स एंड वुड बी एक्सट्रीमली ह्यूमिलिएटिंग फॉर द विक्टिम, 5 राजस्थान और नई दिल्ली की एनजीओज ने हाथ मिलाया और फिर एक पीआईएल एक रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया। अपने लैंडमार्क जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये नोट किया था, आप ध्यान से सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण है ये बात। द सुप्रीम कोर्ट नोटेड इन इट्स जजमेंट द इमीडिएट कॉज फॉर द फाइलिंग ऑफ दिस रिट पिटीशन इज एन इंसिडेंट ऑफ एलिज्ड ब्रूटल गैंग रेप ऑफ अ सोशल वर्कर इन अ विलेज ऑफ राजस्थान। द इंसिडेंट रिवील्स द हैजर्ड्स टू विच अ वर्किंग वुमन मे बी एक्सपोज्ड एंड द डिप्रेविटी टू विच सेक्सुअल हैरेसमेंट कैन डीजेनरेट। आगे लिखा, देयर इज अर्जेंसी फॉर सेफगार्ड्स बाय एन ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म इन द एब्सेंस ऑफ लेजिस्लेटिव मेजर्स टू फुलफिल दिस फेल्ट एंड अर्जेंट सोशल नीड। जिन 5 एनजीओज ने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल की थी उनके नाम थे विशाखा, महिला पुनर्वास समूह, राजस्थान वॉलेंट्री हेल्थ एसोसिएशन, काली फॉर वेमेन एंड जागोरी। द विशाखा पीआईएल अरोज फ्रॉम भंवरी देवीज
personal experience, but the PIL was aimed at empowering all similarly situated women. एक तरह से PIL Me Too movement का precursor था. Petitioners ने तर्क दिया, भंवरी देवी के मामले में राज्य सरकार ने स्टेट पूरी तरह से विफल रही. किसी भी महिला एम्प्लॉय का यौन उत्पीड़न को रोकने में कहा कि कोई सिस्टम सी प्लेस में नहीं है सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट वर्कप्लेसेस को रोकने के लिए. पिटिशनर्स ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि गाइडलाइंस फॉर्म किए जाएं. उनका कहना था ये गाइडलाइंस हर इंस्टीट्यूशन पर लागू होना चाहिए, पब्लिक या फिर प्राइवेट. हिंदुस्तान के आजादी के 50th एनिवर्सरी के ठीक दो दिन पहले 13 अगस्त 1997 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. द जजमेंट्स ऑथर जस्टिस जे एस वर्मा, हु लेटर ऑन बिकेम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, रिकॉग्नाइज दैट सेक्सुअल हैरेसमेंट violates the constitutional guarantee of gender equality in all spheres of human activity. He also felt it denies women their fundamental rights to life with dignity, to personal liberty, and to carry on any occupation of their choice. Judgment ne convention on the UN ke convention ki baat kar raha hun. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women के सिफारिशों को फैक्टर किया, उस पर नजर डाला. SC के गाइडलाइंस, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस ने यौन उत्पीड़न की परिभाषा और प्रिवेंटिव स्टेप्स की एक सूची शामिल की. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आगे एक डिस्क्रिप्शन ऑफ कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स भी specify kiya that has to be strictly observed in all workplaces for the preservation and enforcement of the right to gender equality of all working women. Apne faisle mein judges ne note kiya, the present civil and penal law in India do not adequately provide for specific protection of women from sexual harassment in their workplaces, and that enactment of such a law will take considerable time. Isiliye court ne argue kiya that it is necessary and expedient for employers in workplaces as well as other responsible persons or institutions to observe certain guidelines to ensure the prevention of sexual harassment of women. In guidelines ko pichle 24 varshon se Vishakha guideline ke naam se refer kiya jata hai, kyunki Vishakha naam ki jo mahila sangathan thi, ve lead petitioner thi Supreme Court ke case mein. Supreme Court ke judges ne specifically kaha tha ki these guidelines would act as binding law until Parliament enacts legislation to replace them. Hamare legislature ko sexual harassment of women at workplace prevention, prohibition and redressal act of 2013 ko pass karwane mein 16 varsh lag gaye. Ye kanoon Lok Sabha mein September 2012 mein pass hua और राज्यसभा में फरवरी 2013 में. राष्ट्रपति ने इस कानून को अनुमति तो अप्रैल 2013 में दे दी, परंतु इट केम इनटू इफेक्ट ओनली इन दिसंबर 2013. इस कानून ने विशाखा गाइडलाइंस को सुपरसीड किया, परंतु अभी भी बहुत एम्प्लॉयर्स ऐसे हैं जिन्होंने इस कानून के प्रोविजंस को इंप्लीमेंट नहीं किया है. जैसा हमने देखा, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट
वर्कप्लेस के लिए कानून और गाइडलाइंस की लड़ाई लंबी रही है, परंतु अभी भी सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्कप्लेसेस के केसेस अक्सर आते रहते हैं, सामने निकलते रहते हैं। प्रिया रमानी केस के जजमेंट ने हमको मौका दिया है इस मुद्दे को एक बार फिर से रिविजिट करने के लिए, एक नए तौर तरीके से समझने के लिए, ताकि हम एक कॉमन कलेक्टिव रिस्पॉन्स बना सकें, इसकी आवश्यकता अब बहुत हो गई है। नमस्कार।